कहानी की शुरुआत अमेजोन जंगल से होती है, जहाँ पे एनबो नाम की एक लड़की एक ट्रैप लगाकर उसमें शिकार के फंसने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसने ट्रैप में चारा तो लगाया ही नहीं, तो वो जल्दी से उस ट्रैप में चारा लगाने जाती है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आने लगती है तो उसे अपने पास किसी शिकार के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो वहाँ पर एक बंदर को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए गलती से वो अपने ही ट्रैप में फंस जाती है। इसके बाद हम उस जंगल के कंदामो नाम के कबीले के मुखिया और उसकी बेटी जूमी को देखते हैं। वहाँ का मुखिया वहाँ पर आए मुसीबतों से काफी परेशान था, क्योंकि कंदामो एक बहुत ही बुरे श्राप से गुजर रहा था, जिससे वहाँ के तालाब की मछलियाँ अपने आप मरने लगी थी और उस कबीले के लोग काफी बीमार और कमजोर होने लगे थे। कंदामो का मुखिया भी काफी बीमार और कमजोर हो गया था, इसीलिए अब वो अपने पूरे कबीले की जिम्मेदारी अपनी बेटी जूमी को देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जूमी ही कंदामो को श्राप से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए वो उस रात जूमी को उस कबीले की जिम्मेदारी देने का डिसाइड करता है। वहीं एनबो अभी भी उस ट्रैप में फंसी होती है। तभी उसके पास उस कबीले का सेनापति एटोक आता है, जिससे एनबो अपने आप को नीचे उतारने में उसकी मदद मांगती है, क्योंकि उसे अपनी दोस्त जूमी के मुखिया बनने के समारोह में जाने में देरी हो रही थी। लेकिन एटोक उसे नीचे उतारने से मना कर देता है और उससे कुछ दूर एक चाकू को रखकर वो एनबो से अपनी मदद खुद करने को कहता है और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एनबो उस चाकू को लेने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाती। कुछ समय बीत जाने पर एनबो के पास वाका और डिलो नाम के दो रूहानी फरिश्ते आते हैं। वो जब उन दोनों को देखती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब वो दोनों एनबो को उस ट्रैप से नीचे उतारते हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों सच में उसके सामने हैं। इसके बाद वो तीनों जूमी के समारोह में जाते हैं। एनबो उन दोनों रूहानी फरिश्तों को समारोह से कुछ दूर ही रुकने को कहती है और वो उनसे कहती है कि मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। इधर जूमी काफी उदास होती है, क्योंकि इतने खास दिन पर भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ नहीं थी। जूमी को खंदामो के मुखिया का हार पहनाकर वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एनबो भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर जूमी काफी खुश होती है और थोड़ी नाराज भी होती है, क्योंकि उसने आने में आज काफी देर कर दी थी। एनबो जूमी को खुश करने के लिए उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। वो रूहानी फरिश्ते जो इस कबीले के श्राप के कारण जंगल से गायब हो गए थे, वो उन्हें वापस लेकर आई है और वो उन्हें आवाज लगाकर सबके सामने बुलाती है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर आते ही नहीं हैं। इस पर सभी कबीले वालों को लगता है कि एनबो झूठ बोल रही है और पूरे कबीले वालों के सामने एनबो की बेइज्जती होती है और इस बात से दुखी होकर एनबो वहाँ से चली जाती है। पर एक बार फिर से वो दोनों रूहानी फरिश्ते एनबो के पास आते हैं, जिन पर एनबो काफी गुस्सा करती है। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि इस जंगल की ये हालत ये कुरोना नाम की एक डेमन के श्राप के कारण हुई है और वो इस श्राप को खत्म करने का उसे तरीका भी बताते हैं। वो बताते हैं कि इस जंगल में कहीं पे एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें इस श्राप को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो पेड़ कहाँ पर है। पर वो किसी को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। वो एक विशाल कछुआ है जिसे लोग मतुलो मामा के नाम से जानते हैं। ये सब जानने के बाद एनबो जूमी के पास आती है और वो उसे वो सब कुछ बता देती है, लेकिन जूमी को एनबो की बातों पर विश्वास नहीं था और वो वहाँ की मुखिया होने के कारण उसे आदेश देती है कि वो मुतेलो कछुए को ढूंढने के लिए इस कबीले को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। इस बात से एनबो काफी दुखी होती है, तो उसके पास उसकी दाई माँ कानो आती है, जो उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही खास लड़की हो, इसीलिए वो रूहानी फरिश्ते तुम्हें दिखे। इसके बाद वो एनबो को बताती है कि उसकी माँ को भी इस जंगल के रूहानी फरिश्ते दिखते थे। एनबो उनसे अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन उसे बाकी की बातें कल बताने का बोलकर उसे सुला देती है। अगले दिन एनबो जूमी के पास आती है और वो उससे कानू के पास जाकर उसके और उसकी मॉम के बारे में जानने को कहती है। उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर जूमी एनबो के साथ कानू के पास आती है, पर वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कानू की तो मौत हो चुकी है। ये सब देखकर वो दोनों काफी दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर उनका सेनापति एटोक आता है, जो कानो के मौत का जिम्मेदार एनबो और उसके रूहानी फरिश्ते को मानता है। इस बात से एनबो काफी दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है, पर एटोक अपनी सेना के साथ जाकर उसे पकड़ने की सोचता है। इस पर जूमी उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन एटोक उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से एनबो के पीछे जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर एनबो एक पेड़ से लगकर काफी रोती है। तभी उसे वहाँ पर एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे मुतेलो मामा की याद आती है और वो उसकी खोज में निकल पड़ती है। काफी दूर आगे जाने पर जब उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ से फल तोड़कर खाने की कोशिश करती है, पर तभी उस पेड़ के सारे चमगादड़ एनबो पर हमला कर देते हैं और वो उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं।
पर इससे पहले कि वो चमगादड़ एन्बो को कोई चोट पहुंचाते, वहां पर वो दोनों रूहानी फरिश्ते आकर उसे बचा लेते हैं। एन्बो उन दोनों को अपनी दाई माँ की मौत की खबर सुनाकर रोने लगती है। इधर एटोक एन्बो को जंगल में ढूंढ रहा होता है तो उसे उस जंगल में एन्बो की एक तीर मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एन्बो इसी रास्ते से आगे गई है। उधर जूमी अपने डैड को बताती है कि एटोक ने उसकी बात नहीं मानी और वो अपनी सेना को लेकर एन्बो के पीछे उसे मारने गया है, और इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह से एटोक को रोकना होगा। ये बात सुनकर जूमी अपने दो सैनिकों के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने जाती है। इधर एन्बो और उन दो रूहानी फरिश्तों को रास्ते में जब भूख लगती है तो वो दोनों एन्बो को तीर से फल तोड़ने को कहते हैं, लेकिन एन्बो के सारे तीर रास्ते में ही खत्म हो गए थे, इसीलिए डीलो उसे एक घास की तीर देता है, जिसे देखकर एन्बो कहती है कि इससे कोई फल कैसे टूट सकती है। तो डीलो उसी तीर से वहां के फल को गिरा कर दिखाता है और वो उससे कहता है कि हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसे के बल पर हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फल खाने के बाद वो तीनों ग्रेट रिवर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें जंगल से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता है, और असल में वो कोई धुआं नहीं बल्कि डीमन याकू रोना होता है, जिसे देखकर वो तीनों भागने लगते हैं। वहीं एन्बो देखती है कि कुछ आदमी जंगल में खुदाई कर रहे हैं जहाँ पे काफी पॉल्यूशन होता है, और तभी एन्बो की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि उस डीमन याकू रोना के वश में था, और जब एन्बो उस आदमी से नजरे मिलाती है तो वो भी उसके वश में होने लगती है। लेकिन तभी वाका और डीलो एन्बो को लेकर वहां से भागने लगते हैं। वो डीमन याकू रोना उनका पीछा करता है तो वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद एन्बो जब नदी में अपना मुंह धोने लगती है तो कोई पीछे से आकर उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उनका सेनापति एटोक होता है। वो एन्बो को मारना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि जो उसके कबीले में श्राप फैला है वो एन्बो की वजह से है, और उसकी मौत के बाद वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो जिस पेड़ पर होते हैं वो पेड़ हिलने लगता है, जिससे एटोक जमीन पर जा गिरता है, और एन्बो एक तालाब में। तालाब के किनारे आने पर उसे एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है और वो उस कछुए का पीछा करने लगती है। वो कछुआ एक गुफा के अंदर चला जाता है और वहीं पर एन्बो को वो मटुलो मामा मिलते हैं। एन्बो उनसे कहती है कि वो कंदामों को श्राप से मुक्त कराने वाले पेड़ की जड़ ढूंढ रही है, तो मटुलो मामा उसे बताते हैं कि वो पेड़ वहीं पर है जहाँ तुम खेलती हो, और उसी पेड़ में तुम्हारी माँ की आत्मा रहती है। उस पेड़ की जड़ को तुम्हें एक चाकू से काटना होगा जो आसमानी पत्थर से बना है, और ऐसा करने से जंगल का वो श्राप खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर एन्बो उससे पूछती है कि वो आसमानी पत्थर कहाँ पर मिलेगा, तो वो एन्बो को बताते हैं कि ये आसमानी पत्थर पलेजो के पास मिलेगा, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता है। वो उसे ये भी बताते हैं कि पलेजो को मीठा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब भी जाए उसके लिए मीठी पत्तियां जरूर लेकर जाए। ये बात सुनकर एन्बो पलेजो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर एटोक पेड़ से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था, तभी उसके पास वो आदमी आता है जो याकू रोना के वश में था। इधर काफी दूरी तय करने के बाद एन्बो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वहां पर वो उन्हीं दो रूहानी फरिश्तों को देखती है, और वो उन्हें मुटेलो मामा की सारी बातें बता देती है। इसके बाद वो तीनों एक गाड़ी बनाते हैं और एक मीठी पत्तियों वाले पेड़ को लेकर पलेजो की तलाश में जाने लगते हैं। पलेजो जिस चट्टान पर रहता था वो काफी ऊंची होती है, इसीलिए उन्हें वो पेड़ वहां पर ले जाते हुए काफी दिक्कत हो रही थी। वहीं हम जूमी को देखते हैं, जिसे जंगल में एटोक और वो आदमी मिलता है। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट था, इसीलिए वो जूमी से कहता है कि वो उसके कबीले वालों को ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास काफी एडवांस दवाइयां होती है। लेकिन जूमी को दवाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो उसके लोगों को ठीक करने के बदले में जूमी से सोने की मांग करता है, तो जूमी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो किसी भी तरह अपने लोगों को ठीक करना चाहती थी। इसके बाद वो सभी कंदामों वापस जाने लगते हैं। इधर एन्बो और वो दो रूहानी फरिश्ते किसी तरह बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए उस पेड़ को लेकर पलेजो के पास पहुंचते हैं। एन्बो पलेजो के पास जाकर उससे कहती है कि उसे मुटेलो मामा ने भेजा है और वो उससे वहां पर आसमानी पत्थर लेने आई है। पहले तो पलेजो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब एन्बो उसे मीठे पत्तों वाली पेड़ दिखाती है तो वो उसे आसमानी पत्थर देने के लिए मान जाता है, और साथ ही वो उस पत्थर का एक चाकू भी बना देता है। तभी वहां की चट्टानें अचानक से हिलने लगती है। दरअसल उस चट्टान पर ज्वालामुखी फटने वाला होता है, तो पलेजो उन्हें वहां से जल्दी से जाने को कहता है, और जब वो तीनों वहां से जाने लगते हैं तो वहां का एक ज्वालामुखी फटता है, जिससे उनके वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो एन्बो पलेजो से उसका पंख मांगती है और इसके बदले में वो और भी मीठी पत्तियों का पेड़ लाने का वादा करती है। पलेजो अपना वो पंखा उन्हें दे देता है
और वो तीनों उस पंखे की मदद से वहां से निकल जाते हैं। जब वो दोनों उस चट्टान की चोटी पर पहुंचते हैं तो वो तीनों उस पंखे की मदद से वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाका का वजन काफी ज्यादा होता है इसीलिए वो पंखा टूट जाता है। तो वाका उन दोनों को ही वहां से नीचे जाने को कहता है और वो ये कहते हुए उन्हें पंखे के साथ नीचे धक्का दे देता है, जिससे इनबो और डिलो सीधा उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इनबो खेला करती थी। और थोड़ी ही देर में वाका भी ज्वालामुखी के वेपर की मदद से उनके पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो तीनों पेड़ के पास जाते हैं जहां इनबो उस पेड़ की जड़ को उस आसमानी पत्थर की चाकू से काटने जाती है, पर तभी वहां पर जूमी आ जाती है जो इनबो से कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक आदमी ने उसके डैड को ठीक कर दिया है और अब वो पूरे कबीले वालों को ठीक कर देगा। इनबो जूमी के साथ जाती है और जब वो उस आदमी से मिलती है तो वो काफी डर जाती है और वो जल्दी से भागकर घर के बाहर आ जाती है। जूमी जब इनबो से पूछती है कि क्या हुआ तो इनबो उसे बताती है कि वो आदमी एक डीमन है, लेकिन जूमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि कभी भी उसे इनबो की बातों पर विश्वास ही नहीं था। इधर एटोक जब उस साइंटिस्ट को देखता है तो उसे भी उसकी असलियत के बारे में पता चल जाता है और वो भागता हुआ इनबो के पास आता है जो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। इसके बाद वो अपने किए की इनबो से माफी मांगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इनबो सब कुछ सही करना चाह रही थी। और इसके बाद वो दोनों उस चाकू से उस पेड़ की जड़ को काटते हैं। पेड़ के कटने के बाद उसमें से इनबो की मॉम निकलती है जिससे मिलकर इनबो काफी खुश होती है। इनबो की मॉम अपनी शक्ति से एक तीर बनाकर उसे देती है। इधर जूमी और उसके डैड भी याकुरोना के वश में हो गए थे इसीलिए जूमी उस साइंटिस्ट के सामने सबको झुकने का आदेश देती है। सभी लोग उसकी बातों का पालन करते हुए उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। इधर इनबो की मॉम सोना निकालने वाली मशीनों को रोकती है और वो उस साइंटिस्ट के पास आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट तो इनबो का डैड है जिसे काफी समय पहले उसकी मॉम वहां पर लेकर आई थी, लेकिन अब वो याकुरोना के वश में हो गया था। ये बात सुनकर याकुरोना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आता है और इसके बाद वो जूमी को लेकर उन मशीनों की ओर चला जाता है। ये देखकर वो सभी जूमी को बचाने के लिए याकुरोना के पीछे जाते हैं और इसके बाद इनबो जूमी को बचाने के लिए याकुरोना को जादुई तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपना डैड समझकर वो तीर चला नहीं पाती। तभी वहां पर उसकी मॉम आती है और वो उसे समझाती है कि वो तीर अपने डैड पर नहीं चला रही बल्कि उसके अंदर मौजूद उस डीमन पर चला रही है। और इसके बाद इनबो उस पर वो तीर चला देती है जिससे उस डीमन याकुरोना की मौत हो जाती है और उसके डैड अपने असली रूप में आ जाते हैं जिनसे मिलकर इनबो काफी खुश होती है। इसके बाद इनबो के मॉम और डैड उसी पेड़ के अंदर समा जाते हैं और उसके बाद से पूरे कंदामों में खुशहाली छा जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।